नवरात्र के चौथे दिन देवी माँ को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृति में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माता की कथा श्रवण और पूजा करने से शरीर के सभी रोग क्लेश दूर होते हैं तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। माता आपका कल्याण करें। जय माता दी।